Come on, baby, come on! Faster! हेलो सुपर स्क्वाड एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर मौजूद हैं और आज के व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को लेके जाना है कुआलालंपुर के इंटरनेशनल गो कार्टिंग सर्किट के ऊपर। ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे मैंने आपको लेके जाना है। मैं इस टाइम कुआलालंपुर शहर में मौजूद हूँ, मगर यहाँ से हमारी तकरीबन एक घंटे की राइड होगी बाइक के ऊपर, तो हम मोटर व्लॉग भी करेंगे साथ साथ और वहाँ पर जाके हम लोग गो कार्टिंग भी करेंगे। ये एक इंटरनेशनल सर्किट है, तो सर्किट भी बहुत मज़े का है और गो कार्ट्स भी बहुत मज़े की हैं और वहाँ पे आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। मैं भी बहुत इन्जॉय करने वाला हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ मलेशिया के अंदर गो कार्टिंग करने का। इससे पहले मैंने दुबई के अंदर की हुई है और भी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर की हुई है, मगर लेट्स सी कि मलेशिया का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है और यहाँ की गो कार्टिंग सर्किट कैसा है। तो चलते हैं, बाइक रेडी है, बाइक भी आपको दिखाता चलूँ। द ब्यूटिफुल CBR इज़ रेडी, आपके भाई का हेलमेट रेडी है और हाईवे के ऊपर हम लोग राइड करने वाले हैं तकरीबन एक घंटे की। और मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़े की राइड होगी, बहुत मज़े का रास्ता होगा और बहुत मज़े का ब्लॉग होने वाला है। लेट्स गो। गूगल मैप्स पे अभी शो कर रहा है जी 35 किलोमीटर्स हैं और 50 मिनट्स लग जाएंगे हमें। 4:15, 4:30 तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। ओह, ट्रेन जा रही है नीचे। 4:15, 4:30 तक मैं वहाँ पहुँचूँगा और उसके बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो है 5 बजे की। अपॉइंटमेंट मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो। ये सर्किट जो है ये भी काफ़ी बिजी है, तो इसके लिए भी आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और बहुत मुश्किलों से मिलती है। स्कूटर्स का यहाँ बहुत फैशन है यार, ये जो इस तरह के स्कूटर्स हैं ना, मगर इनको आपने लाइट नहीं लेना। वो स्कूटर जा रहा है वो 160 cc है, तो पावर में ये किसी से कम नहीं है। इसमें 300, 500, 600 भी स्कूटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। आज भी रश आवर्स के अंदर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, मगर कल तो भाई बहुत ही ज़्यादा होने वाली है क्योंकि कल से दिवाली की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ बन रही है। मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी और कल हमने अपना सफ़र भी शुरू करना है कैमरून हाइलैंड्स की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं मुझे ऊपर से जाना है कि नहीं, ऊपर से ही चले जाते हैं। कल जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैमरून हाइलैंड्स हमने कल अपना सफ़र शुरू करना है और फिर हमने नेक्स्ट कोई तकरीबन 10 डेज़ वापसी नहीं आना कुआलालंपुर। तो सफ़र ही सफ़र होगा, बाइक होगा, आपका भाई होगा और ट्रैवलिंग होगी और ऐसा ही रश होगा। मगर इसमें भी मज़ा है भाई, रुकते रुकते जाएं, रश करते करते जाएं और इन्जॉय करें। एक नई जगह पे आप फेरें, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करें। यहाँ कुआलालंपुर के अंदर 90% लोगों ने इस तरह एक जैकेट उठाई हुई होगी और उसके अंदर सिर्फ अपने बाजू डाले हुए होंगे और इस तरह उल्टी पहनी हुई होगी। ये देखें या ये भी देख लें, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि ये होती है इनकी रेन जैकेट। जब धूप निकलती है तो अपने बाजुओं में पहन लेते हैं ताकि सनबर्न ना हो, और बारिश होती है तो इसी को अपने ऊपर पूरे जैकेट की तरह पहन लेते हैं। अमीनी, क्योंकि कुआलालंपुर के अंदर बारिश का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। ऐसे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, आज बारिश नहीं होगी और आधे घंटे बाद इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है कि आपकी सोच है। तो ये ज़्यादातर राइडर्स ने ये जैकेट ज़रूर रखी होती है इस तरह से, ये एक तरह से इनका रेन सूट है। ये एक शॉप है जिसका नाम है मिस्टर DIY। मैंने इसकी जगह इसके काफ़ी जगह बोर्ड्स देखे थे मिस्टर DIY ब्रांड सेल, तो मुझे एक दो चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके ले लूँ, क्योंकि एक जैसे वो स्टिकिंग होती है ना। लेट्स गो गाइस, टेप वाला काम हो गया हमारा, उसको फिक्स भी कर लिया मैंने 2 मिनट में। इसका नाम है मिस्टर DIY, डू इट योरसेल्फ। हर चीज़ जो घर की आपकी कोई छोटी मोटी चीज़ टूट जाए, कुछ ख़राब हो जाए, यहाँ से उसके पार्ट्स लें और उसको आप घर में खुद ही फिक्स कर सकते हैं। आपको कोई प्लम्बर, कोई मैकेनिक, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी दोस्त का घर ढूंढते ढूंढते मैं किसी कॉलोनी में आ गया, मगर ये रास्ता है ऐसे ही, थोड़ा कॉलोनीज़ के बीच में से है। ये ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है ना, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, आप इनके अंदर नहीं जा सकते, बैरियर्स लगे होते हैं। ये
ये जैसे ये लगा हुआ है बैरियर, थोड़े से बादल भी बन रहे हैं, ये ना हो बारिश शुरू हो जाए और मेरी गो कार्टिंग रह जाए जैसे पिछले व्लॉग में मैं आपको पेट्रोनास टावर के टॉप पे नहीं लेके जा सका था क्योंकि बुकिंग नहीं थी, एक हफ्ते की बुकिंग बुक थी, एक हफ्ते की, बहुत रश था। ब्यूटीफुल रोड, शाबाश 150, शाबाश इस मर्सिडीज GLA 250 को हराना है। वैस भाई आपका कहीं इतना दूर निकल आया है कि मेरे सिग्नल भी चले गए हैं, बस ये शुक्र है कि मुझे ये पता लग रहा है कि बिल्कुल सामने 1.2 किलोमीटर्स पे LYL इंटरनेशनल कार्टिंग सर्किट है और मुझे अब नज़र भी आना भी शुरू हो गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये सामने सर्किट है, ओह हो कमाल। मौसम भी अच्छा हो गया, पहले मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मैं 5 बजे जा रहा हूँ और गर्मी हुई तो मुझे थोड़ा मसला होगा, मगर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया, तो चलते हैं अंदर। ऑलमोस्ट 1 घंटे की हमारी राइड हुई है और उसके बाद आपका भाई पहुँच चुका है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा LYL इंटरनेशनल कार्टिंग सर्किट। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अपनी बारी का वेट करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मेरा हेलमेट यूज़ करने दें। ये सामने सारे सेशंस चल रहे हैं, इसके अंदर आपके भाई का नाम आ रहा है, वो लास्ट में डॉक्टर जिशान सर, पढ़ने गायब हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर ये होगा कि अभी जो सेशंस चल रहे हैं बाहर वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मेरी बारी है। पेमेंट वगैरह हो गई है, इसके चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, इट्स जस्ट 70 रिंगिट फॉर 10 मिनट्स। तो अगर आपने 20 मिनट्स करना हो तो ये नहीं है कि आप 140 रिंगिट पे कर दें, उसमें ये होगा कि आपको अपना सेशन कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सेशन के लिए दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो मैंने 70 रिंगिट अभी पे किए हैं, तो ये आप यूँ समझ लें कि 10 मिनट्स आप 5000 रुपीज़ में कर सकते हैं गो कार्टिंग, और ये इंटरनेशनल सर्किट है, यहाँ पर इंटरनेशनल रेसेज होती हैं गो कार्टिंग की, तो इट्स वर्थ इट मेरे ख्याल में। सो ये अभी हम ब्रीफिंग रूम के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो चलेगी, वो हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे कि आपने ट्रैक पे क्या क्या एहतियात करनी है और क्या नहीं करना, क्या करना है, वो सब कुछ अभी बताएंगे इसके ऊपर। वैसे यही सारी बातें हैं जो सेफ्टी रूल्स वगैरह लिखे में आप स्टॉप करके देख सकते हैं। सो ये आपके भाई की कार्ट है, नंबर 1। ओके, हियर वी गो। मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं तेज हूं अगर मुझे कोई ओवरटेक ना करे?
जस्ट हैड एन अमेजिंग सेशन एट द LYL इंटरनेशनल गो कार्टिंग सर्किट. बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप मोटर स्पोर्ट एंथूजियस्ट हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, गो कार्ट्स को चलाएँ. इतनी ज़्यादा टिकट्स नहीं है, 5,000 to 6,000 रुपीज़ की टिकट है और आपको 10 मिनट मिलते हैं, उसके ऊपर आप फुल इन्जॉय कर सकते हैं. तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है. पहले मैं सोच रहा था कि पहले भी इतनी दफ़ा गो कार्टिंग की हुई है तो इसको स्किप कर देता हूँ, मगर जो इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर चलाने का मज़ा आया ना वो अलग ही है. तो आई रियली इन्जॉयड अ लॉट. होपफुली आप लोगों को भी वीडियोज़ देख के मज़ा आया होगा. अभी हम वापसी चलते हैं कुआलालंपुर, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे की राइड है यहाँ से और मैं सोच रहा हूँ कि मगरिब से पहले पहले मैं ये डिस्टेंस कवर कर लूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा. रात में फिर कुछ देर के लिए बाहर निकलेंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि आज उनका ऑफिस डे था और कल हमारा सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह कैमरन हाइलैंड्स के लिए. स्टे ट्यून्ड, वो बड़ी मज़े की वीडियोस होंगी, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 500 टू 600 किलोमीटर्स है और 5 से 6 घंटे की राइड है. उसके बाद हम लंकावी आइलैंड जाएंगे, तो नेक्स्ट जो 5 से 10 दिन होंगे वो हमारा बाइक के ऊपर मोटर व्लॉग, घूमना फिरना, ज़बरदस्त किस्म के एडवेंचर्स होने वाले हैं और आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बहुत पसंद आएंगी. हेलो गाइस, हेलो, व्हाट इज़ दिस? This one is a soya milk. Soya milk and this? This one is dragon fruit. Dragon fruit, okay. What is this? This one is rose apple. Rose apple. It's just what you can eat. You my mata kucing? Mata kucing, sakam kao. Why? So sang kao. Kao ba, kao ba. पहले आपको शक्ल तो दिखा दूँ, बाद में तो मैं खा जाऊँगा. ये सेब है कोई, अगर कोई अजीब ही किस्म का है. What do you call it? Rose apple. Rose apple. ओके, ये रोज़ एप्पल है. ओके, घर जाके खाएंगे. भाई ऐसे मौसम में अगर शुगर केन जूस मिल जाए ना तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए. हाँ देखा, शुगर केन है. आई वॉज़ राइट. मगर ये शुगर केन्स का कर क्या रहे हैं? जूस तो नहीं बना रहे. शुगर केन जूस, जूस शुगर केन है? यस, शुगर केन जूस. यस, थैंक. ये रोड से गुजरते हुए क्या कमाल की चीज़ मिल गई आपके भाई को. सोचा नहीं था मलेशिया के अंदर ये चीज़ मिलेगी, मगर आई गॉट द शुगर केन जूस. मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा शुगर केन नहीं नज़र आया, मगर यहाँ पे मैं जब गो कार्टिंग के लिए जा रहा था वहाँ जाते हुए मुझे ये सामने मुझे ये शुगर केन नज़र आए तो मैं रुक गया. फ्राइड बनाना, फ्राइड पोटैटो एंड फ्राइड बनाना. ओके, आई विल ट्राई द फ्राइड बनाना. लाइफ में पहली बार फ्राइड बनाना ट्राई करने लगा हूँ इन मलेशिया. हु वुड हैव थॉट. इट टेस्ट लाइक अ फ्राइड बनाना. बाहर से फ्राइड है जैसे पकोड़े होते हैं और अंदर से बनाना है मीठा. फर्स्ट टाइम, दिस इज अमेजिंग. ज़बरदस्त. This is a new thing for me. I'm trying it first time. It's really good. So, अब मैं try करने लगा हूँ the sugar cane juice, the ultimate test. क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि sugar cane तो हमारी speciality है ना पाकिस्तान की. Oh my God, it's so refreshing, so refreshing. Oh. इट्स बेटर देन पाकिस्तान, आई हैव टू से दिस. इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, मगर क्योंकि अक्सर पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे भी शुगर केन जूस पीते हैं. बट दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10% बेटर देन द वन इन पाकिस्तान. यू हैव नो आइडिया हाउ गुड दिस इज. अमेजिंग. अच्छा, इसके जो शुगर लेवल है ना वो बहुत बैलेंस्ड है. पता नहीं ये क्यों होगा, या मतलब पाकिस्तान का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है शुगर केन. जो हम शॉप्स वगैरह से जाके जूस पीते हैं ना, दिस इज सो बैलेंस्ड, सो बैलेंस्ड.
have to go now. Let's go. यहाँ की जो फीमेल्स थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी, फनी और बहुत अच्छी. सो आई एम गोना टिप देम अगर उनने मुझसे ले लिया. इट्स फॉर यू, इट्स फॉर यू, इट्स अ टिप. थैंक यू. बाय बाय. शुक्रिया शुक्रिया.